शुरुआत करी इन्होंने 16 साल की उम्र में। भरतनाट्यम नृत्य हो या फिर कर्नाटक संगीत, दोनों में ही इन्होंने महारत हासिल कर ली और ये बनी आगे जाकर पहली फीमेल सुपरस्टार, नाम वैजयंती माला। नमस्ते। वैजयंती माला जी का जन्म 13 अगस्त सन 1936 में हुआ। इन्होंने तमिल फिल्म वसखाई से शुरुआत की थी और उसके बाद हिंदी फिल्में जैसे कि बहार और लड़की में ये नजर आई। उसके बाद आई फिल्म नागिन और नागिन के बाद वैजयंती माला ने कभी पलट के नहीं देखा। मन डोले मेरा, तन डोले मेरे, दिल खा गया करार रे, कौन बजाए बांसुरी। ये किस्सा मशहूर रहा कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने वैजयंती माला को स्टेज पे भरतनाट्यम डांस करते हुए देखा और उसके बाद उस प्रोड्यूसर ने मन बना लिया अब तो यही मेरी फिल्म की हीरोइन होगी। वैजयंती जी की ग्रैंड मदर बहुत नाराज थीं और इस बात के खिलाफ थीं कि ये फिल्मों में काम करें। मगर ये काम, नहीं नहीं बेटी, ये काम तेरे लायक नहीं, तू ये पैसे वापस कर दे। क्योंकि इससे इनकी पढ़ाई और नृत्य प्रशिक्षण पर खासा असर पड़ सकता था, पर लोगों ने बहुत समझाया और कहा कि इसे फिल्मों में काम करने दो। और उसके बाद तमिल फिल्म का जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें भी यही नजर आई। फिल्म का नाम था बहार। माला जी ने खुद हिंदी सीखी और उसकी वजह ये थी कि ये अपनी आवाज में ही अपने डायलॉग्स डब करना चाहती थी। हिंदी और तमिल फिल्मों के बाद ये कन्नड़ा फिल्मों में भी नजर आईं। 1955 में बिमल रॉय साहब ने फिल्म बनाई देवदास, जिसमें दिलीप कुमार ने देवदास की भूमिका निभाई थी। सुचित्रा सेन नजर आई थी पारो की भूमिका में और वैजयंती माला चंद्रमुखी बनी। मैंने जिंदगी में फिल्म का कारोबार बहुत दिनों तक किया है देवदास, लेकिन प्रेम सिर्फ एक बार। प्रेम करना और बात है, रूप का मोह कुछ और। रूप का मोह जितना मर्दों में होता है, हम औरतों में। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि फिल्म देवदास के लिए वैजयंती माला जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया, पर वैजयंती जी ने ये कह के इनकार कर दिया कि देवदास के जीवन में जितना महत्व पारो रखती थी उतना ही महत्व चंद्रमुखी भी रखती थी, लिहाजा अगर अवार्ड देना है तो बेस्ट एक्ट्रेस का ही अवार्ड देना होगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नहीं। बाद एक फिल्म जिसमें ये काम नहीं करने वाली थी वो भी इनकी झोली में आ गई और इतिहास रच दिया गया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और इनकी जोड़ी नजर आई। फिल्म का नाम नया दौर। नया दौर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बीआर चोपड़ा ने पहले मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया था, पर मधुबाला के पिता के साथ इतनी बहस हो गई बीआर चोपड़ा की कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और लिहाजा मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया गया और वैजयंती माला को मिला यह रोल। ये आपकी महानता है गोपाल बाबू, जो आप ऐसे कहते हैं, वरना जो कुछ मैंने किया है आप ही की मेहनत और मेहरबानी से किया है। मुझे मुबारक नहीं, आशीर्वाद दीजिए। जहाँ एक तरफ नागिन की सफलता इनके साथ थी और नया दौर का संगीत और इनका अभिनय और इनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी परवान चढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक फिल्म आई अमिया चक्रवर्ती की कठपुतली, जिसमें इनके काम की बहुत सराहना की गई और फिर इनकी कॉमेडी साइड भी नजर आई। सन 1957 में किशोर कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर ठहाके लगवा दिए। फिल्म का नाम आशा। उनका शुक्रिया। और मेरा? आप तो सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, आपको तो नाच पसंद नहीं आया। ये आप कैसे कहती हैं? मैंने तो अभी तक अपनी राय दी नहीं, किसी अच्छे वक्त के लिए बचा रखी है। ये तो बड़ी अकलमंदी की बात की। जी हाँ, अकलमंद आदमी ऐसा ही किया करते हैं। 60 के दशक में एक बार फिर दिलीप कुमार के साथ वैजयंती माला की जोड़ी बनी। हैरानी इस बात की होती है कि इस फिल्म में एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री भोजपुरी बोलते हुए नजर आई थी और क्या अभिनय था, सभी का मन मोह लिया था गंगा जमुना की धन्नों ने। उसी दौरान इन्होंने नए उभरते अभिनेता मनोज कुमार के साथ डॉक्टर विद्या में काम किया। ये फिल्म भी चली लेकिन उसके बाद की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मनचाहा नतीजा न दे पाई। शिकवा है तुझसे प्यार का, है मां
और तब आई राज कपूर की फिल्म संगम, जिसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और वैजयंती माला का लव ट्रायंगल बॉक्स ऑफिस पर छा गया। इस फिल्म का संगीत, इसका अभिनय, इसका डायरेक्शन, इसकी स्क्रिप्ट, सभी कुछ लोगों को बहुत पसंद आई। जब फिल्म संगम रिलीज होने वाली थी तो ये बातें सामने आने लगी कि राज कपूर और वैजयंती माला के संबंध दरअसल प्रेम संबंध में तब्दील हो गए हैं। हालांकि बहुत बाद में जाकर वैजयंती माला ने अपनी किताब के जरिए इस बात का खंडन किया। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है राजी, तो ये मेरा भी इम्तिहान है। जरा सोचो तो सही, तुम्हारे लिए बाबूजी का प्यार मेरे प्यार से किसी तरह कम नहीं। ये बात भी हालांकि हैरान करती है कि वैजयंती माला की शादी हुई डॉक्टर बाली से, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। अपनी पत्नी से अलग हो उन्होंने वैजयंती माला का दामन थामा और तब से ये बन गई वैजयंती माला बाली। एक फिल्म है आम्रपली, उस फिल्म के अंदर इनका अभिनय और नृत्य और संगीत सभी पसंद किया गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिल्मों से जरा रुख मोड़ लिया। गोपाल बाबू, मैंने थिएटर छोड़ने का फैसला कर लिया है, मुझे आज्ञा दीजिए। बाद में ये नजर आई पॉलिटिक्स में, राजनीति ने इन्हें संसद का सदस्य बना दिया। और एक लम्हा ऐसा भी आया था जब यश चोपड़ा साहब ने कहा कि वैजयंती जी, आप मेरी फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभाएं, आपके बेटों का किरदार निभाएंगे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। जिसके लिए वैजयंती माला जी ने कहा कि मैं कोई कैरेक्टर रोल्स नहीं करूंगी, मैं हीरोइन थी और बतौर हीरोइन ही याद रखी जाऊंगी। लिहाजा वो रोल निरुपा रॉय ने निभाया। अपने राजनीतिक और फिल्मी सफर में वैजयंती माला ने कई ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन अपना पहला प्रेम यानी कि नृत्य, उससे ये दूर न रह सकी। दुनिया भर में अपने ट्रूप के साथ इन्होंने भरतनाट्यम के स्टेज शोज किए। यकीनन वैजयंती माला एक संपूर्ण कलाकार हैं। मैं अपने आप को जानती हूँ और उस धरती को भी जिसने मुझे जन्म दिया है। मैडम बहुत बड़ी कलाकार होंगी, उनके वतन में कला के खजाने होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दुनिया के सब आर्टिस्ट और देश उनके सामने हेज हैं। मेरे वतन के जर्रे जर्रे से आर्ट के चश्मे फूटते हैं, मेरे देश की खेत ले लाते हैं तो उनमें भी नाच की कला होती है, मेरे देश में हवाएं चलती हैं तो उनमें भी एक संगीत होता है, मेरे वतन में पुआर बरसती है तो जल तरंग की तरह, बादल घिर के आते हैं तो मस्त हाथी की तरह। हमारा मणिपुरी, हमारा खत्तक, हमारा भरतनाट्यम कौन हिस्सा है दुनिया का जो इनका जवाब दे सके? तानसेन के नगमे, मीराबाई का भक्ति नाच, टैगोर का आलाप, कौन सा मुल्क है जो इन महान आत्माओं से टक्कर ले सके? भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। थैंक यू। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।